का त्यौहार रंगों और खुशियों का त्यौहार होता है और लोग इसे बड़ी धूमधाम से भी मनाते हैं। लेकिन करनाल के हकीकत नगर में इस पर्व के मौके पर एक घर में खुशियां मातम में बदल गई। जी हाँ, होली का मौका था, सब खुश थे, रंगों में इस पर्व को मना रहे थे। पर तभी एक खबर सामने निकल कर आई कि करनाल के हकीकत नगर में एक निर्मला नाम की बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। महिला घर पर अकेली थी। जब पता चला कि वहां एक बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई है तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी थी। गला दबा के मार दिया उसका, वो भी यहाँ पकड़ रखा था, तो 112 की टीम आई, वो उसको लेके गई है। वो कहा कि भाई यहाँ पे और भी बंदे उसके दारू पीने वाले, कह रहे हैं हम अभी गाड़ी ला रहे हैं, तो अभी तक तो गाड़ी आई नहीं। अब एक बार आप देखो यहाँ पे उसको और बंदे भी है। हमने दुकान पे देखा, मुझे लगा कोई दुश्मन नहीं हो सकती, दोबारा पकड़ना गया वहाँ पे, मतलब नशे में दूध था पूरे, उसको ये नहीं पता मैंने क्या करा क्या नहीं करा। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। बुजुर्ग महिला की हत्या किन कारणों से हुई है अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक युवक को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया है। ये धर्मपाल है जो शिव कॉलोनी का रहने वाला, ये अपने गली नंबर 1 हकीकत इसमें हकीकत नगर में अपनी पत्नी के साथ पशुओं का चारा करने के लिए आता है। हर रोज की तरह करीब समय 1 बजे ये पशुओं का चारा डालने के लिए गया था, तो इसने आवाज सुना जी घर में गया, तो उसने एक लड़के को देखा है। इसके इन्होंने एक लिखित शिकायत में हमारे को दी है, जिस पर हमने पर्चा दर्ज कर लिया है और एफएसएल निरीक्षण वगैरह कराया। तो कोई गला दबाकर मारा गया कुछ? हाँ, गला दबा के मारा गया, पोस्टमार्टम कराएंगे। तो मौके से पकड़ दिया, नशे में दूध था वो? हाँ, मौके पे पकड़ के नवा पुलिस के हवाले कर दिया, कार्रवाई की जा रही है। नशे में दूध था वो बता रहे हैं? हाँ। तो कुछ बताया उसने वजह क्या रही? अभी तफ्तीश चल रही है। तो उसके साथ वाले घर में 4-5 उसके साथी भी रहते हैं, लोगों ने उसको भी उनको भी नीचे पीट कर बुलाया, क्या उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? हमारे पीटने वाली बात हमारे संज्ञान में नहीं है, कोई ऐसी भी। देखो, नहीं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, की जाएगी, जिस जिसकी इन्वॉल्वमेंट होगी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, किसी तरह की लूट की वारदात भी सामने? नहीं, अभी कोई लूट का कोई ऐसी वारदात नहीं है। जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए उन्हें हत्या की बारे दिए और उसमें पर्चा दर्ज हमने कर दिया। होली के दिन आसपास के सभी घरों में शांति थी। महिला की मौत के बाद होली के दिन आसपास के सभी घरों में शांति थी। फिलहाल महिला की मौत के कारणों का नहीं पता चल पाया है। हालांकि पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में जरूर लिया है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।